कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो हम पैगेट्स डिजीज़ के बारे में देख रहे थे, उसमें जो पंच बायोप्सी में सेल्स मिलते हैं, पैगेट सेल्स मिलते हैं बायोप्सी में, और ERPR नेगेटिव सेल्स होते हैं वो हर्टिनियो पॉजिटिव होते हैं एंड कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन पॉजिटिव होते हैं, CEA पॉजिटिव। तो CEA पॉजिटिव वाले जो सेल्स हैं पैगेट्स डिजीज़ के अलावा कोलोरेक्टल कैंसर, मेडुलरी थायराइड कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और ओवेरियन कैंसर में भी मिलता है। देन 70% पेशेंट्स को अंडरलाइंग लंप होता है जो यूजुअली डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है, और कभी कभी ये इंट्राडक्टल कार्सिनोमा भी होता है। देन मैनेजमेंट कैसे होता है पैगेट्स डिजीज़ का, इसका अंडरलाइंग लंप का मैनेजमेंट करते हैं, तो इस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है। जबकि एक्जिमा का मैनेजमेंट कैसे होता है, एक्जिमा एक बायलैटरल कंडीशन होती है जिसमें कि निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये इससे डिफरेंस है पैगेट्स डिजीज से, और इसमें मैनेजमेंट टॉपिकल स्टेरॉइड से होता है। नाउ पॉलीमेस्टिया एंड पॉलीथीलिया क्या होता है, तो पॉलीमेस्टिया मतलब एसेसरी ब्रेस्ट टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, और सबसे कॉमन साइड जो होती है वो एक्सिला होती है इसकी, मतलब एक एक्स्ट्रा टिश्यू फॉर्म हो जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर मेनली कॉस्मेटिक ब्लेमिश की कंप्लेन से आता है, पेशेंट अच्छा नहीं दिखता है इसलिए अंडर आर्म सोलन होते हैं। देन मैनेजमेंट क्या है, इसका एक्सिजन होता है इसका मैनेजमेंट, और इसके मेन इंडिकेशंस होते हैं कॉस्मेटिक रीजंस, दूसरा पेन अगर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से, और तीसरा लंप इसका रीजन होता है। देन पॉलीथेलिया क्या होता है, ये एसेसरी निपल्स होते हैं, अगर निपल्स एक्स्ट्रा फॉर्म हो जाते हैं तो उसको पॉलीथेलिया बोलते हैं। देन एथीलिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ निपल्स होता है, एंड ए मेस्टिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू होता है। उसी से रिलेटेड एक टर्म है पोलैंड सिंड्रोम, वो क्या होता है, यूनिलैटरल पेक्टोरलिस मीज़र एंड ब्रेस्ट टिश्यू का एब्सेंस, तो अगर पेक्टोरलिस मीज़र और ब्रेस्ट टिश्यू एक साइड में नहीं है तो उसको हम पोलैंड सिंड्रोम बोलेंगे। देन ब्रेस्ट रिडक्शन, ब्रेस्ट रिडक्शन किस केस में किया जाता है, फंगल इन्फेक्शन के केस में, अगर इंफ्रामेमरी रीजन में फंगल इन्फेक्शन हो गया है और उसकी वजह से नेक पेन भी हो रहा है तो उस केस में हम ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं। तो ये इन्वर्टेड टी पैटर्न में किया जाता है, इसमें एक लाइन ड्रॉ की जाती है सुप्रास्टर्नल नॉच से, और सुप्रास्टर्नल नॉच से दोनों निपल्स के साइड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और दोनों निपल्स के बीच में भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक ट्रायंगल टाइप का बन जाता है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और दोनों निपल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 19 to 21 सेंटीमीटर होता है, और साथ में सुप्रास्टर्नल नॉच से जो दो लाइंस गई रहती है निपल्स की तरफ उनका लेंथ भी सेम होता है, दैट इज़ 19 to 21 सेंटीमीटर। सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा एक होता है। सो ये एक इन्वर्टेड टी पैटर्न होता है इसमें जो उसका ट्रीटमेंट होता है रिडक्शन का, ब्रेस्ट रिडक्शन। नाउ गायनेकोमेस्टिया ग्रेड थ्री, गायनेकोमेस्टिया में ग्रेड थ्री कैसा होता है, जैसे कि वो फीमेल ब्रेस्ट की तरह डेवलप हो गया हो उस तरीके का ब्रेस्ट बन जाता है मेल्स में, और इसमें डिफ्यूज ब्रेस्ट फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं मेल्स में। और फीमेल ब्रेस्ट, सॉरी मेल ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है इस केस में, ये एक फिजियोलॉजिकल हो सकता है और दूसरा पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, न्यूबॉर्न में होता है, और सेनाइल केस में होता है, मींस एजिंग के कारण भी होता है कई बार। जबकि पैथोलॉजिकल इडियोपैथिक होता है, एक तो विदाउट एनी रीज़न, और दूसरा ड्रग इंड्यूस्ड होता है। तो ड्रग इंड्यूस्ड में डिस्को से हम इसे याद कर सकते हैं कौन कौन से ड्रग्स इसको इफेक्ट करते हैं। सो डी से डिजॉक्सिन इफेक्ट करता है इसको, आई आइसोनियाजिड इफेक्ट करता है, एस से स्पायरोनोलैक्टोन इफेक्ट करता है, एंड स्टेरॉइड्स मेजर कॉज होते हैं इसके। तो स्टेरॉइड्स मेजर कॉज इसलिए होते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन इसे बहुत लेते हैं, और साथ में अगर बॉडी जिम जाने वाले पर्सनस भी इसे बहुत लेते हैं। देन सी से सिमेटिडिन, एंड के से अगर डिस्को में हम के देखेंगे तो कीटोकोनाजोल भी इसको अफेक्ट करता है। ओ से ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन भी इसका कॉज हो सकता है गायनेकोमेस्टिया का। देन ये लेप्टोमेटस और मम्स और काइटिस
के कारण भी हो सकता है, सिरहोसिस के कारण हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो सकता है, रीनल सेल कार्सिनोमा में हो सकता है, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा में और टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में। तो ये तीनों को हम मिला के रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा एंड टेस्टिकुलर कार्सिनोमा को बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। नाउ इसका डायग्नोसिस यूएसजी से होता है। 3 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ डिस्क जो है ब्रेस्ट टिश्यू की, उसको लेना पड़ता है डायग्नोसिस के लिए। नाउ मैनेजमेंट कैसा रहता है? एक तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टोमी से होता है, और अब लाइपोसक्शन और ग्लैंड एक्सीजन किया जाता है। एक क्वेश्चन है, मेस्टेलजिया में फाइब्रोएडिनोमा जो होता है ना वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड मस्कुलर रिलैक्सेंस टाइट सिंड्रोम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन था, लेटरल थोरेसिक वेन मोस्ट कॉमन होती है जो अफेक्टेड रहती है। नाउ टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है फाइनल ईयर्स के लिए वो है, एक तो शॉर्ट नोट्स में पैजर्स डिजीज, सेंटिलन लिम्फ नोड बायोप्सी, तीसरा स्टेजिंग, फोर्थ ब्रेस्ट एब्सेस, फिफ्थ फाइब्रोएडिनोमा एंड सिक्स्थ गायनेकोमास्टिया। ये शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में शॉर्ट एंड लॉन्ग केस के लिए भी। तो फिक्सिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ देख रहे हैं। तो इसमें फिक्सिटी अगर चेक करते हैं तो हमको मोबिलिटी दोनों देखनी होती है, अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर के अगर अलॉन्ग और परपेंडिकुलर दोनों तरह से मोबिलिटी फ्री है तो हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने आर्म्स को उसके बाद फिर हिप पे रखे और फिर चेक करते हैं कि पेक्टोरलिस मेजर टॉट है या नहीं है। तो उसके बाद फिर हम मोबिलिटी के लिए देखते हैं, अगर वो फिक्स्ड है तो लम्ब फिक्स होगा पेक्टोरलिस मेजर के। नाउ एक्सिलरी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? तो एग्जामिन करते हैं राइट एक्सिला को, फिर उसको कैसे एग्जामिन करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि उसका राइट शोल्डर और उसके आर्म को हमारे राइट एल्बो पे रखे वो, और उसके बाद फिर हम पल्प ऑफ फिंगर से एग्जामिन करते हैं एक्सिला को। तो एंटीरियर सेंट्रल और अपाइकल लिम्फ नोड्स को हम इस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं, जबकि लैटरल लिम्फ नोड को अगर हमको एग्जामिन करना होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसके आर्म को वो अपोजिट शोल्डर पे रखे और उस तरीके से फिर हम उसके बाद एक्सिला को एग्जामिन करते हैं। देन पोस्टीरियर लिम्फ नोड को अगर एग्जामिन करना होता है तो पेशेंट को आगे बेंड होने बोलते हैं और फिर आर्म को अपोजिट शोल्डर में रखते हैं और हम फील करते हैं लिम्फ नोड्स को बैक साइड से। सो ये था बेस्ट का नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।